नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल मैकेनिकल माइंड में आप सभी का स्वागत है। मैं किशोर कुमार साहू। यह मेरा चैनल है जिसमें मैं पहले भी ऑटो कैड ट्यूटोरियल्स के कुछ वीडियो अपलोड कर चुके हैं। काफ़ी समय से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते स्टूडेंट्स क्लासरूम स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज से एक नया सब्जेक्ट जो फ्लूड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स है, द्रव यांत्रिकी और द्रव चलित मशीन्स, जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा 4 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है, ये वीडियो मैं आज से स्टार्ट करूँगा। आज के इस फर्स्ट वीडियो में हम फ्लूड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस में टोटल 10 चैप्टर है और हर एक चैप्टर से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसा कि चैप्टर 1 है जिसमें हम लोग फंडामेंटल ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली ये पूरा जो सिलेबस है डिप्लोमा के लिए है और ये मेरा वीडियो सीरीज हिंदी में रहेगा। पहले चैप्टर में हम लोग स्टडी करेंगे फंडामेंटल ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लूइड क्या होता है, तरल पदार्थ क्या होता है, कितने प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं, आदर्श तरल पदार्थ, वास्तविक तरल पदार्थ, संपीड्य असंपीड्य तरल पदार्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी तरल पदार्थ होते हैं, चाहे पानी हो, मरकरी हो या केरोसिन हो, सभी प्रकार के तरल पदार्थ में फ्लूइड में किस तरीके की प्रॉपर्टीज होते हैं, उस फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में डेंसिटी हो गया, स्पेसिफिक वेट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी, डायनेमिक काइनेटिक विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरिटी हो गया, इस तरीके के कुछ फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ जो इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि जो प्रवाह होता है किसी भी तरल पदार्थ का, वो कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो, जिसमें लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो हो गया, स्टडी और अनस्टडी फ्लो हो गया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इस तरीके के फ्लो के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, जिसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और कंटिन्यूटन इक्वेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है उसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 में हम लोग प्रेशर, दाब और उसके मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग दाब तीव्रता, दाब शीट्स और जितने भी टाइप्स के प्रेशर होते हैं, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ जो प्रेशर मेजरमेंट करने के टेक्निक्स है, डिवाइस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैनोमीटर्स, पीजोमीटर, यू ट्यूब मैनोमीटर के अंदर और भी बहुत सारे मैनोमीटर्स आते हैं, डिफरेंशियल हो गया, इंक्लाइन ट्यूब मैनोमीटर हो गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ मैकेनिकल गेज भी होते हैं जिसको हम प्रेशर गेज कर बोलते हैं, उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग मैनोमीटर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर 3 में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग फ्लूइड जब स्टेशनरी कंडीशन में होता है तो उसके द्वारा जो भी इफ़ेक्ट आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग दाब हो गया, कुल दाब हो गया, दाब केंद्र के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी प्लेट किसी तरल पदार्थ के अंदर डूबी होती है ना, उस तरल पदार्थ में डूबी होती है जो स्टेशनरी कंडीशन में हो, तो उस स्टेशनरी फ्लूइड के थ्रू उस प्लेट पर कितना फोर्स एक्ट करता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इसमें 3 तरीके के प्लेट हमारे पास आएगा, एक वर्टिकल प्लेट आएगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेट और इंक्लाइन प्लेट, दोनों प्लेट के बारे, तीनों प्लेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ सेंटर ऑफ बोयंसी हो गया, मेटा सेंटर हो गया, मेटासेंट्रिक हाइट हो गया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम लोग इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब बॉडी फ्लोटिंग हो या सबमर्ज बॉडी हो तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसका डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 में बेसिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जब कोई तरल पदार्थ फ्लो हो रही हो तो फ्लो होती है तो उसमें किस तरीके एनालिसिस करने के लिए किस तरीके की इक्वेशन यूज़ करते हैं उसके बारे में, तो उसके अंतर्गत जो बहुत सारे एनर्जी होते हैं
जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस एनर्जी को हम लोग हेड के फॉर्म में डिनोट करते हैं, तो हेड क्या होता है जब फ्लूइड पार्टिकल मोशन कर रही हो, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन तीनों एनर्जी फॉर्म के लिए एक इक्वेशन, एक थ्योरी दिया गया है जिसको बर्नौली थ्योरी कहते हैं। बर्नौली थ्योरी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसको डिराइव करेंगे। और बर्नौली थ्योरी पे बेस्ड बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइस है, जैसे कि वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, पिटोट ट्यूब, फ्लो नोजल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसका वर्किंग देखेंगे, उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर और पिटोट ट्यूब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 5 में हम लोग बेसिकली ओरिफिस और माउथ पीस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब फ्लूइड फ्लो हो रही हो तो ओरिफिस से और माउथ पीस से सब फ्लो होने पर उसमें किस तरीके के इफेक्ट आते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग ओरिफिस क्या होता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा पॉइंट क्या होता है ना, जब फ्लूड फ्लो हो रही हो तो उसमें कुछ डिस्चार्ज कोफिशेंट हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे सीसी हो गया, सीबी हो गया, सीडी हो गया, इन तीनों कोफिशेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जब पाइप में फ्लो हो रही है, चाहे वो ओरिफिस में हो या माउथ पीस में हो, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, हानियाँ होती है प्रवाह में, तो किस तरीके की हानियाँ होती है इसके बारे में भी इसमें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद इसमें माउथ पीस और ओरिफिस से रिलेटेड कुछ सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। चैप्टर 6 में हम किसी पाइप में फ्लो होने वाले फ्लूइड होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम लोग लेमिनार हो गया, टर्बुलेंट फ्लो हो गया, और इसके बाद रेनाल्ड नंबर हो गया, इसका डिस्कस हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इसी चैप्टर में हम लोग जो हेड लॉस होता है किसी पाइप फ्लो में, तो उस किस तरीके के हेड लॉस होते हैं, है ना, इसमें मेजर और माइनर लॉस होता है, फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है, तो बेसिकली हम लोग फ्रिक्शन लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। और फ्रिक्शन लॉस को कैलकुलेट करने के लिए डार्की और चेजी इक्वेशन जो है इसका डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे, ठीक है। इसी चैप्टर में हम लोग हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, टोटल एनर्जी लाइन, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो चेजी और डार्की इक्वेशन पे बेस्ड होगा, ठीक है। इसी में कुछ इफेक्ट जैसे वाटर हैमर हो गया, सर्ज टैंक हो गया, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चैप्टर 7 में इम्पैक्ट ऑफ जेट इम्पॉर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ जेट के बारे में डिस्कस करेंगे। कोई भी प्लेट है तो उसमें फ्लूइड फोर्स से इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट लोड अप्लाई करता है, तो जो प्लेट है स्टेशनरी है या मूविंग कंडीशन में है, फ्लैट प्लेट है, कर्व प्लेट है, उस तो फ्लूइड पार्टिकल का क्या इफेक्ट आता है उस प्लेट पे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकली जो होता है पेल्टन टर्बाइन में, तो पेल्टन टर्बाइन में इसका जो इफेक्ट किस तरीके होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 में बेसिकली हम लोग टर्बाइंस के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोलिक टर्बाइंस या वाटर टर्बाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। दो तरीके के टर्बाइन होते हैं, इंपल्स और रिएक्शन टर्बाइन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसमें तीन तरीके के टर्बाइन आएगा आगे, पेल्टन हो गया, फ्रांसिस हो गया, कैप्लान टर्बाइन हो गया, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो टर्बाइन से रिलेटेड होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद चैप्टर 9 में हम लोग पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली इस चैप्टर 9 में दो तरीके के पंप के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा है जेट पंप। दोनों ही पंप का कंस्ट्रक्शन, उसमें किस तरीके के इंपेलर यूज़ होते हैं, उसकी बनावट किस तरीके होता है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है, उसमें किस तरीके के करेक्टरिस्टिक होते हैं पंप के, उसमें किस तरीके का इफेक्ट होता है, जैसे प्राइमिंग हो गया, कैविटेशन हो गया, इस तरीके के कुछ इफेक्ट के बारे में इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो पंप, सेंट्रीफ्यूगल और जेट पंप के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट चैप्टर है चैप्टर 10। इस चैप्टर में हम लोग बाकी दो जो पंप्स हैं, सबमर्सिबल और रेसिप्रोकेटिंग पंप, सबमर्सिबल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप इम्पॉर्टेंट है, दो टॉपिक है। दोनों ही तरीके के पंप का कंस्ट्रक्शन,
उसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, उसमें किस तरीके के इफेक्ट आता है, उसका कैसे अरेंजमेंट करते हैं, उसमें किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इन सब का डिस्कशन करेंगे। और इसमें पंप का सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से ये पूरा 10 चैप्टर है इस सिलेबस में, 10 चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे। चूँकि मैं पहले भी 2 चैप्टर को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसलिए इस वीडियो सीरीज़ में मैं चैप्टर 3 से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर 3 के जो टॉपिक्स है उसको मैं कवर करते आगे बढ़ूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल माइंड। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बी हैप्पी।